देखो राकेश सावंत मैम ने मैसेज किया मोनू को, देखो फ्लैग का मीनिंग क्या पता है? ये प्रेयर है, ये टिबेटन में लिखा हुआ है। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से और एक नया ब्लॉग पे। तो आज मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आज आप सबके लिए सरप्राइज है और मैं किससे मिलने जा रहा हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगा, तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए, कहीं जाना मत। टाटा, सी यू लेटर। हम लोग फाइनली पहुंच चुका है अपना जगह पे जहाँ पे आना था, और मैंने आप सबको बोला था कि मैं सरप्राइज दे दूंगा। और मेरे साथ कौन है? रुको रुको रुको, मोनू है मेरे साथ। मोनू ले देखो, मोनू हाय बोलो, बहुत दिन के बाद मिला है। मोनू हाय बोलो। हेलो हेलो हेलो, मेरा व्यूअर्स को बहुत दिन बाद मिला है। इसके लिए हम दोनों कुछ प्लान किया था यहाँ पे नदी में, तो इसके लिए तो हम दोनों यहाँ आने के लिए प्लान किया था, तो आ गया, अभी पहुँच गया है। अभी थोड़ा मोरा यहाँ पे व्यू देखेंगे, फोटो खींचेंगे, रील्स बनाएंगे, अभी थोड़ा देर के बाद चलो अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया होगा, अभी अच्छा आएगा। तो ये है नज़ारा यहाँ का, इसको बोलता है धिंग नदी। तो वहाँ पे कोई नाव चला रहा है, ये देखो लड़का लोग इस तरफ। तो इस तरफ में धर्मपुर है और उस तरफ में मेओ है, ये देखो। तो गाइस मून को देखो, बहुत सरप्राइज हो गया। राकेश सावंत मैम मैसेज कर रहा है, बोल रहा है नहीं सरप्राइज नहीं यार, उसको बर्थडे विश क्या हो। देखो देखो राकेश सावंत मैम ने मैसेज किया मोनू को, देखो कैसे हो यार? मैं बहुत अच्छा हूँ मैडम। अच्छा रुको रुको रुको, बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ मैडम जी। और आप कैसे हैं मैडम जी? आपका लोकेशन भेज दीजिएगा, हम अपना कॉरियर करके आपको ना हम कुछ सामान भेजेगा, हम लोग नोटिस का कुछ ड्रेस वगैरह भेजेगा, गले वगैरह मेखेला वगैरह और गला में पहनने वाला कुछ कुछ भेजेगा। आप मुझे हो सके तो आप अपना एड्रेस को सेंड कर दीजिए मैडम जी बर्थडे का गिफ्ट के लिए। गाइस बहुत ही खुशी की बात है कि मोनू को राकेश सावंत मैम ने मैसेज किया था, क्योंकि मोनू ने ये राकेश सावंत मैम को हैप्पी बर्थडे विश किया था। तो मोनू बोला कि कुछ गिफ्ट भेजना चाहता है, बोलते तो लोकेशन मंगवा था एड्रेस का। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भी, तो क्योंकि मोनू से बहुत महीना हो गया था नहीं मिलते, क्योंकि मैं लद्दाख पे था तो उसका वजह से मिल नहीं पाया। तो कॉल पे तो बातचीत होते रहता था, लेकिन बहुत दिन के बाद मोनू के साथ आया यहाँ पे, और आज उस मिल के बहुत खुशी भी हुआ क्योंकि बहुत दिन के बाद मिला है। तो उसके लिए फिर ब्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ। तो चलो हम लोग बने रहिए, तो हम लोग इसका बात करते हैं सीधा एक दोस्त का घर। चलो और मैंने मनु को कुछ सरप्राइज देना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया नहीं मिलते, तो आज मिल रहा है। क्योंकि हम लद्दाख गया था तो वहाँ से मैं कुछ गिफ्ट लाया है उनके लिए, तो मैंने उसको बोला है नहीं मैंने सरप्राइज दूँगा थोड़ा बाद में, क्योंकि वो अभी थोड़ा बिजी है बात कर रहे किसी दोस्त से, तो मैं बात नहीं दे दूँगा आप लोगों को पता। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपना कर, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया अभी, क्योंकि ज़्यादा शाम तक रहना भी अच्छा नहीं है। और मैं जैकेट या स्वेटर भी नहीं लाया, तो उसके वजह से तो मोनू भी नहीं लाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा अपना घर, यानी तो किसी दोस्त का घर पे जाएंगे, देखते हैं। एक दोस्त ने तो कॉल किया था कि उसका घर आने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं वहाँ जाने का बाद मैं उनको कुछ दे दूँगा, वो जैसे आ रहा है सब पे। वो गिफ्ट जो अभी निकलता हूँ मैं, हेलो
मनु ओए यहाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया है। क्या लद्दाख छोटा मोटा गिफ्ट है। क्या है? है ये फ्लैग है जो मैं वहाँ पे बाइक पे टंगा है ना। अच्छा तो बहुत अच्छा है सेफ्टी के लिए। यो थैंक यू सो मच। ये प्रेयर फ्लैग है ये जो प्रेयर फ्लैग और ये आपके लिए की बंच। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। तो ये वाला ना फ्लैग कोई नहीं और ये फ्लैग जो ना आपको पूरा सेव करेगा। ये एक्चुअली प्रेयर है, इसमें भी प्रेयर है और फ्लैग में भी प्रेयर है। तो आप जो मैं जैसे लगाया ना वैसे लगाओ। डू नॉट ईट बोला है यहाँ पे, वो खाने का नहीं है। तो ये लद्दाख से लाया था मैं, उस दिन से देगा सोच के बता रहा। थैंक यू सो मच देने के लिए। कोई बात नहीं। तो ये वाला चलो लगाते हैं अभी। हाँ ये वाला लगा दो। दैट्स इट। अब मोनू का स्कूटी में लगाएंगे ताकि मोनू पूरा सेफ रहे हमेशा के लिए जब भी गाड़ी चलाता है। और ये पता है फ्लैग का मीनिंग क्या पता है? ये प्रेयर है, ये टिबेटन में लिखा हुआ है ओमानीपेद में। हम ये जो है मतलब क्या बोलेगा। हाँ 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 वैसे बांध दो वहाँ पे। हाँ उसी में इधर आगे। हाँ हाँ तो इसका मीनिंग है मतलब अब जब भी ये स्कूटी चलाता है ना आपका हवा मिलेगा, वो हवा का वजह से ये जो प्रेयर है ना आपका बॉडी में ये मिलेगा। तो हमारा बुद्धिज्म में ये मनाया जाता है ये लद्दाख में ऐसे है उसके लिए। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हर जगह में आप वो फ्लैग देखते हैं ना ऐसा वाला हमारा बुद्धिस्ट का, वो उसका मीनिंग यही है। मुझे और भी चाहिए एक। हाँ ले, मैं कल परसों में बाइक लेने वाला हूँ। अरे ले मैं दे दूंगा ना आपको। आप बस सेफ चलाओ, सेफ ड्राइव। ऐसे बनता है ना। हाँ हाँ ऐसे आगे में बस वही है। अभी हो गया, यहाँ से दिखना है ना। ऊपर में है, तुम लोग ऊपर में है। ओ मेरा वो अलग बाइक है ना। फिर भी हम भी ऊपरी बनने का। बस आज से पूरा सेफ ड्राइव करना आराम से। नहीं वहाँ से फिर भी आ जाएगा, ऐसे रहने दे। रुको नहीं आएगा। आएगा ना वहाँ से फिर ऐसे खींच के आ जाएगा पूरा। और ये मेरा जो क्लोज फ्रेंड्स होता है ना वो सबको दिया है। हम कल परसों बाइक लेने वाला है, हमको और भी चाहिए। और बितुल के लिए भी दे दूंगा मैं, बितुल के लिए भी रखा हुआ है। चलो गाइस अभी हम लोग जाते हैं, मेरा बाइक इधर है और हम लोग यहाँ से जाएंगे ये वाला रास्ता से। चलो अभी तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने घर में। काफ़ी रात हो चुका है तो अभी हम लोग प्लान किया है कि एक दोस्त का घर जाने के लिए, क्योंकि दोस्त ने डिनर के लिए इन्वाइट किया था। तो अभी जाएंगे वो दोस्त के पास। मैं मोनो को दहन में छोड़ के आया, तो मैं जो है अंगूरी को लेने के लिए आया। तो अभी यहाँ से आप जाएंगे सीधा दहन में, तो उसके बाद हम पूरा डिनर बना के खाएंगे बढ़िया से। काफ़ी रात भी हो चुका है तो मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। तो आप लोग बने रहिए तब तक, या जो सोना है सो जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।